पिछले 5 साल से प्रभाग क्रमांक 18 के नगर सेवक रहे फिरोज खान ने बार बार महानगर पालिका में हमजा प्लॉट रोड की सड़क बनाने की मांग की, लेकिन सड़क की निधि मंजूर नहीं की गई। बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर जाता है और आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को देखते हुए फिरोज खान ने खुद अपने जेब से खर्च कर नाजिम किराना से मारिया मेडिकल तक सड़क का निर्माण किया, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए की लागत लगने की जानकारी फिरोज खान ने दी है। सड़क बनने की वजह से नागरिकों में उत्साह नजर आ रहा है। नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 18 मनपा के अंदर सत्ताधारी 40-60 के भेदभाव की वजह से प्रभागों में काम नहीं हो रहा। मैंने अपने खुद जेब से ये रामलीकरण का खर्चा करा है। यहाँ के लोग बहुत परेशान थे, दिक्कत में थे, बार बार महापालिका को बोले बाद में भी महापालिका कोई केयर नहीं कर रही थी, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा है कि हमारे को जेब के खर्चे से ये काम करना पड़ रहा है। अपने नाजिम किराने से लेके तो मारे मेडिकल तक 4 से 5 लाख रुपए का खुद का जेब का खर्चा लगा है। महापालिका को बार बार बोले बाद में महापालिका ने कोई निधि दी नहीं। महापालिका के अंदर सत्ताधारी को तैयार नहीं है, वो सुनने को तैयार नहीं है। 40-60 का भेदभाव है वहाँ पर, सबका साथ का विकास एकदम बात गलत। ये अपने ही विकास कर बाकी प्रभागों का विकास करते नहीं, पक्षा देख के काम करते जाता है यहाँ पर। तो भी जेब के खर्चे से मैंने ये काम करा। लोग यहाँ पर परेशान थे, आने वाले काल है और बरसात का काल है, ये बरसात में लोगों को दिक्कत हो। अभी ये काम नहीं करते तो घरों में पानी गल्ले नहीं घुस सकता था। सामने मस्जिद है, मस्जिद का भी काम है, यहाँ पर गड्ढा है यहाँ पर, इसको भी करना बहुत ज़रूरी। लेकिन ऐसा पर वही दिख रहा है।